दोस्तों वेलकम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इनुमेरेट फंक्शन की। तो सबसे पहले ये देखिए, एक लिस्ट है मेरे पास जिसमें मेरे कुछ एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच। मैंने क्या क्या इस लिस्ट के सभी एलिमेंट्स को प्रिंट हुआ है फॉर लूप लगा के। अब इसको मैं रन करके देखता हूँ। ये देखिए, ये सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो चुके हैं। अब मैं क्या चाहता हूँ, इन सभी एलिमेंट्स की मुझे पोजीशन को भी प्रिंट करवाना है, ठीक है। उसके लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ इनुमरेट फंक्शन। उसको कैसे यूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल जब पहली बार लूप चली तो आई वेरिएबल में क्या गया, ए, ठीक है। मुझे ए की पोजीशन को भी ट्रैक करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एक नया वेरिएबल डिक्लेयर कर सकता हूँ और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, इनुमरेट। इससे क्या होगा, जब पहली बार लूप चलेगी तो आई में क्या स्टोर होगा, ए, और पोजीशन में क्या स्टोर होगा, जीरो। जब दूसरी बार लूप चलेगी, बी आई में क्या स्टोर होगा, बी, और पोजीशन में क्या स्टोर होगा, वन, ठीक है। ऐसे ही सब कुछ, सारी पोजीशन की वैल्यूज भी मुझे मिलती जाएंगी। अब मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करवा के देखता हूँ। देखिए, पहली बार लूप चली ए, ए की पोजीशन जीरो, प्रिंट हो चुकी। ऐसे ही दूसरी बार लूप चली बी, बी की पोजीशन वन, प्रिंट हो चुकी, ठीक है। अब ये काम मैं बिना फॉर इनुमरेट फंक्शन के भी कर सकता था। वो मैं कैसे करता, यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करता, ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे इस वेरिएबल को हटाता। अगर मैं बिना इनुमरेट फंक्शन को इसको करता तो कैसे करता, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता, पोजीशन की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देता एक, ठीक है। अब देखना, बिल्कुल सेम रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब बात है कि हमने इनुमरेट फंक्शन सीखा क्यों, क्योंकि ये काफ़ी फेमस है और सभी लोग इसको फॉर लूप के साथ यूज़ करते हैं। इसीलिए मैंने आपको इनुमरेट फंक्शन बताया कि इनुमरेट फंक्शन होता क्या है, ओके। चलिए एक और प्रोग्राम करते हैं इनुमरेट फंक्शन की हेल्प से। तो मान लीजिए मेरे पास एक लिस्ट है, यही लिस्ट मुझे इस लिस्ट में जितने भी एलिमेंट्स जो इवन पोजिशन पर है मुझे प्रिंट करवाने हैं। फॉर एग्जाम्पल ए, एक कौन सी पोजीशन पे है, जीरो, तो मैं इसको प्रिंट करवाना चाहूँगा। उसके बाद सी टू पे मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा, उसके बाद ई फोर पे मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा। तो इनुमरेट फंक्शन की हेल्प से करना है, तो हम कैसे करेंगे इसको वो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले पोजीशन नाम का वेरिएबल, ठीक है, उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे इनुमरेट लिखना है, उसके बाद यहाँ पे मुझे क्या करना है, इफ If position modulo 2 equals to 0, then मैं क्या करूँगा, इसको प्रिंट करवाऊँगा। और यहाँ पे मुझे इसको इंक्रीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इनुमरेट फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे आप ब्रेसिस ना लगाएं इफ के बाद तो भी चलेगा, ठीक है, पर मैंने लगा दी। तो अब देखते हैं इसको प्रिंट करवा के, ठीक है। ये देखिए ए, मैं इसको थोड़ा, ये देखिए ए 0, सी 2, E4। आई होप आपको इनुमरेट फंक्शन समझ आ चुका होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।